नमिता विश्वास आठ कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का शीर्षक लेखक कौन कमतनाथ ने लाख की चुड़िया की कहानी जो चूड़ी कैसे बनती उसके बारे में लिखे मैं अभी पाठन कर रही हूँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था कि कमतनाथ ने लिखे क्या सारे गाँव में कौन का ये अच्छा आदमी था बदलू। तो मुझे अपने मामा गांव जाने का सबसे बड़ा तंस वही था कि जब मैं वहां से लौटा तो बस ढेर सारी गोलियां होती वो बिरंग बिरंग गोलियां किसी के बच्चे का पन में हो लेता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए परंतु मैं उसे मना के अगर बदलू काका कहता है हम सभी बच्चे उसे कहते हैं। बदलू मकान कुछ ऊँचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। इधर छवि में देखिए तो बगल में भट्टी देखती रहती थी जिसमें वो लाख पिघलता करता। सामने एक लकड़ी और चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के देखिए। तो दूसरे पेज में क्या मुलायम होने पर वो वैसे ही सलाह के समान फैला करके चूड़ी के आकार देखा। पास में चार विभिन्न आकार में बेलन हुआ मुकर के रखी रहती। वह आगे से कुछ पतली और पीछे मोटी थी चुड़िया बनाती। चुड़िया आकार देखकर उन्हें मुंगरिया चढ़ा कर गोल किया चिकना बना तब एक एक पूरे हाथ को चुड़िया बना चुकने पहचान उन पर रंग था। बदलू यहाँ कार्य सदा ही एक मस्जिद के बैठ कर किया करता था। तो बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिससे बीच बीच में पीता रहता था। किसका हुक्का जब चुड़िया बनाता था फिर बीच बीच में हुक्का पीता था। गाँव में मेरा दोपहर से मर्दी करा बदलू पास अब गाँव में मैं बदलू के साथ ज़्यादा समय रहती जाती थी। लल्ला करता था मेरे पहुँचने मेरे लिए तुरंत एक बच्चियाँ मंगा देती थी। बैठ बैठ के उसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखते रहता था। मैं जाकर गांव उस पर पास बैठता था तो जहाँ जब जाते रहा था लगभग वो रोज ही चार छः से जोड़े बनाता था। पूछ उड़ाते रहने के लिए उसे बेलन चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। मानो होकर किसी में नवोद की कलाई हो बदलू माने और चूड़िया बनाना उसका पैसा और बर्तव वो बहुत सुंदर चूड़िया बनाता था। उसका पैसा है बहुत चूड़िया बनाता दिन में चार पाँच जोड़ा बनाता था। तो उस गांव में जो सभी स्त्रियों का उसकी बनाई चुड़िया पहनती थी। आसपास गांव के लोग भी उसे चुड़िया देते थे। गांव के सभी लोग करते थे आसपास गांव से आते परंतु कभी भी चुड़िया के पैसे बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विभिन्न तरीके लोग अनाज बदलते उसे चुड़िया के ले जाते। बदले स्वभाव बहुत सीधा मैंने कभी भी उसे किसी झगड़ते नहीं देखा। हाँ शादी विवाह अवसर में भी अवश्य जिद पकड़ जाता था कभी उसे झगड़ा नहीं। वो सीधा समान जीवन भर कोई उसे मुफ्त चुड़िया ले जाए परंतु विवाह अवसर में वो सारी से निकाल लेता था। आखिर सुहाग में जोड़े महत्व होता है। मुझे याद है मेरे मामा किसी लड़की के विवाह पर जरा किसी बात पर बिगड़ गया था उसको नंगले लगे थे। विवाह इसी जोड़े पर मूल्य इतना बढ़ गया कि उसके लिए उसकी घर वाली सारे वस्त्र मिले थे अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलने जाते आदमी उसको पगड़ी और रुपये जो मिलते थे कि शादी में इसे शादी में जो करता पर दूसरे समय वो नहीं देता था। सारे गांव के लोग और दूसरे गांव के लोग उससे चूड़िया लेते थे। तो यदि संसार का बदलू को किसी बात से चिढ़ होता तो चूड़िया से किसी भी स्त्री चूड़िया दिल जाती वो अंदर अंदर कूड़ा उठता। कभी कभी दो चार बातें भी सुन देता मुझे तो वो घंटे बातें क्या करता। कभी मेरे पढ़ाई बारे में पूछता कभी मेरे घर के बारे में कभी शहर जीवन बारे में उससे कहता था। शहर में कहाँ चूड़िया पहनते थे उत्तर देता शहर की बात और लाला सभी कुछ कहता है। वो तो अपने पसंद के हाथ पकड़ कर सड़क पर घूमते थे और फिर उनके कलाई पर जादू करते थे। लाख की चूड़िया पहने तो मोच ना आए। कभी कभी घरेलू मेरी अच्छी खासी खातरी करता जिन दिन उसके साथ में दूध होता तो सदा मेरे लिए झोलाई होकर रखता और आम के कौशल भी होता। तो ये बदलू काका बैठे है वो तो किसी पेज में मेरे उसके यहाँ दो चार आम खाता था परंतु ये सब बातें अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता लगभग रोज़ मेरे लिए एक दो गोलियाँ बनाते उसे अच्छा लगता था। मेरे लिए डेली दो गोलियाँ बनाते मैं बहुत गर्मी छुट्टी में मामा के यहाँ जाता था। महीने महीने रहकर स्कूल तब आता था परंतु वो दिन तीन दिन बाद मामा के यहाँ गए दोगा कभी बीता दूर रहकर शहर बदली कभी लंबी अवधि अपने मामा गाँव के जा सका। लगभग आठ दस वर्ष के बाद मैं यहाँ गया इतना बड़ा हो चुका कि लाख गोलियाँ मेरी रुचि नहीं रहे बोलते मैं दस साल के बाद गया अलग से चूड़िया मेरे हाथ में नहीं होता थी। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग स्त्रियों का चूड़िया पहने बिरले हाथों में लाख चूड़िया पहनते थे गाँव सब लोग। तो सब दिन से ऐसे मुझे
बदरू ध्यान हो गया। रात में ही बरसात मामा की छोटी लड़की आंगन फिसल कर गिर पड़ी थी, उसके ताते कांचवे टूट गए, उसकी गई थी तो खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर रहे थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी लगानी पड़ी। तो एक बार उसके मामा बैठे पैर में फिसल गया था, बारिश के समय उसका चूड़िया टूट के हाथ में खून आ गया, तो उसकी मरहम पट्टी लगाया, उसका मामा नहीं था। तो मुझे मैं ध्यान दिया और मैंने सोचा उसके मिलने जाऊँ, तो सब घूमते घूमते इसके घर चला गया। बदलू चबूतरा के नीम के पीछे खाट पर लेटा था, तो बदलू काका में बोला, मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी नीरत में देर तक मेरे को देखा, मेरे को पहचाना। मैं हूँ जनार्दन काका, पास गोलियाँ बना कर आता था। मैंने अपना परिचय दिया, बदलू फिर चुप रहा, मानो अपनी स्मृति पटल करती थी, चिता भर रहा था। एकदम बोला गया, आओ आओ चला ला बैठो, बहुत दिन के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इधर आना ही सका। तो मैंने सरपाई बैठते ही उतर दिया। तो चौथी पेजे कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो न मुझे उसके मछते नजर आई। तो मट्टी आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लाला, काम तो सालो बंद हो गया, बना ही चुड़िया पूछे तो तब गाँव गाँव कांच पचर हो गया, इसीलिए वो लकड़े नहीं लेते। आजकल काम मशीन में होता है, खेत मशीन होता है, पिछन देता कांच चुड़िया में होते, लाख कहाँ मिलते हैं, लाख का नहीं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाते, मेरे नाजुक होता है। कहते कहते खांसी, यार देर तक खांसना रहा, मुझे लगाया जमा अवस्था साथ उसमें ढल चुका है, उसे हाथों में माथे पर न भाई जाने कैसी उसने मेरी शंका भाप ली। लेला दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है, एक महीने महीने हो रहा है, 10-15 दिन में ठीक हो जाता है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा है। देर तो सोचता है, इस मशीन युग में काट दिया है। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है पूछती हूँ मैं, तो बोलते आम की फसल कैसी, अच्छी लला बहुत अच्छी, उसने लेकर उतर दिया। दर अपनी बेटी आवाज़ दी, अरे रजो लला आम तो ले लो। फिर मेरी अभी धोकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं कहा, आम तो इस साल बहुत खाए, अभी ना आम खिला कैसे जाने दूंगा तुमको। कौन बोलता है वो बदलू काका लला को बोलते है? तो मैं चुप हो गया, मुझे याद आया था बरेली मोला को चला था, गाय तो अच्छी ना काका। मैंने पूछा, गाय कहाँ ला लाला दूध बेच दिया, खिला दे इतने रोजों बेटी अंदर हो तो रलिया ग्राम लाया, यहाँ तो बहुत काका इतने है, कहाँ पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह इससे बड़ा शहर शहर थे, तुम्हारी उम्र का था, इसके बीच में नाम रखना तो जाता था, आप लोगों की बात हो रही। मैंने उतर दिया, अच्छा बेटी लाला, 4-5 आम छाट कर मैं सिंदूर वाले देना है। देखो लाला कैसे इसी साल यहाँ पेड़ तैयार हुआ है, रोजाना 4-5 आम अंजूर लेकर मेरी ओर बढ़ दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, इनका मैं अकेली उसके हाथों में टिटक गई, गोरी गोरी कलाई में लाख चूड़िया बहुत ही कम रही थी। बदलू मेरी दृष्टि दे रही थी, बोल पड़ा, आखिरी जोड़ा बनाया जमींदार साहब, बेटी विवाह परेशान को मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं देखा, कहाँ शहर में लाओ। मैंने आम के लिए खाकर थोड़ी पश्चात लगाया, मुझे प्रसन्नता आई। बदलू हार कर ये हार नहीं मानी, उसका व्यक्तित्व तो काज भी चूड़िया जैसे ना थी, आसानी से टूट जाए। तो कामतानाथ ने बच्चों लेखक कामतानाथ है, लाख की चुड़िया कैसे बदलू चाचा के मनाते थे। अभी सचमुच सभी चीज़ मशीन में होता है, तो कांच की चुड़िया टूट जाती है, फिर लाख की चुड़िया ज़्यादा दिन रहता था, पर अभी नहीं होता है बाजार में। इसी के बारे में लिखे हैं, वो बहुत अच्छे से बनाते थे, तो अपने गांव से दूसरे गांव से शादी से ब्याह से सभी में विवाह में सभी में लगता था। तो अभी मशीन में हो गया, इसीलिए वो चाचा ने अब नहीं करी था। 10 साल के बाद जब कमता भाई ने गाँव के गए, तो मधु चाचा से जाकर मुलाकात किए और उन्हें पहचान पाए, वो अपनी पहचान दी। फिर उन्होंने चूड़ी के बारे में बताया जो अभी नहीं चलता, उसके बाद आम खिलाए उसकी बेटी, उसके बाद वो चूड़िया देखकर से बात करके आए। तो बहुत अच्छी कहानी है लाल की लाख की चूड़िया बच्चों, तो इसको आप पढ़िए लिखिए, इसके बाद अभी पढ़ाई हो गई, अभी इसका लाख की चूड़िया की प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे बच्चों। तो बच्चों प्रश्नोत्तर क्या, कान से बचपन के लेखन है, अपना मामा के गांव क्यों जाते थे और बदलू बदलू मामा ना कहकर बदलू का क्यों बोलते थे, क्योंकि क्यों लेखक मामा के गांव के लाख चूड़िया बनाया जाते, कारीगर बदलू रहता था, लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, इसलिए उसे काका रंग बिरंग देता था, इसलिए लेखक मामा ने काका बुलाते थे। तो दूसरी प्रश्न दूसरी पेज में, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय पश्चात पद्धति क्या है, तो
वस्तु के लिए पैसा नहीं लिए जाते, वस्तु के बदलते ही दी जाती है, किंतु मुद्रा चलन करना वर्तमान परस्पर लेन देन मुद्रा द्वारा होता है, विनिमय प्रचलित पर दिया जाता है। तो तीन क्वेश्चन, मशीनी जो कितने हाथ काटते हैं, पंक्ति लेखक को बताइए। तो आगमन के साथ कारीगर के हाथ से काम सौदा होती है, उनके काट दिया जाते हैं, कारीगर के पैतृक को काम धंधा के लिए होते लाभ। तो उन कारीगर के रोजगार यानी पंक्ति का काम धंधा चलता है, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, पीढ़ी पीढ़ी अपने कला अपने पापा का दादा का जो करते थे वही करते थे रोजी रोटी के लिए, परंतु मशीन जुड़ गई उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। तो बदलू, चार क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी बात थी, लेखन छिप रही थी, दे उसका व्यवस्था ठप पड़ेगा अपनी व्यवस्था दूसरे से, बदलू का कठोर थे मन इस बात व्यथा था कि मशीन के युग में प्रभाव उसके ऐसे कारीगरी का बेरोजगार हो गए, देखो अधिक ध्यान नहीं देते, व्यथा लेकर छिपी हुई होती है। तो चार क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन, मशीन युग में बदलू जीवन में क्या बदला भाई, क्यों यह बेरोजगार हो गया, काम करने का उसका शरीर ढल गया, उसके हाथ तो गए तो हो गई, वो बीमार रहने लगा। तो कहानी के आगे, तो कहानी और पांच हो गए, कहानी के आगे क्या, कहानी के आगे अपने लाख की वस्तुएं तो अपने मैंने बेरोजगार का, तो अपने संग कहानी के आगे क्या चीज़ें किसने गुरुआत थी, अपने मन में जो बनाने के लिए हुई अपने कोई कार्य किया वो उसके विषय में, तो बच्चों आप इसे स्वयं पढ़कर कर सकते हो। लाख की वस्तु है हमारे भारत के किन किन राज्यों में होता है, लाख अतिरिक्त तो क्या क्या होता है, क्योंकि व्यवस्था बंद होता है, बेरोजगार हो जाते हैं, काम करना उसका नहीं है, तो लाख की वस्तु निर्माण भारत के लाख की व्यवस्था सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, चूड़ियाँ मूर्तियाँ गोलियाँ सजावट वस्तुएँ उत्तर प्रदेश में होता है। तो क्वेश्चन के अनुमान के घर में तो क्या होता है, घर में मेहमान आने का उसका अति चस्कर कैसे करेंगे, तो हम लोग घर में मेहमान आए तो अति चस्कर कैसे करेंगे, तो आएगा तो कोई उसको कुछ देने खाने को पीने को बैठने को रहने को बातें करने को ऐसे ही मेहमान पड़ते हैं। आपका छुट्टी किससे जाना सबसे अच्छा रहता है कि अलग अलग होती है, तो उसे पढ़कर सोएंगे आप पढ़ सकते हो। बच्चे मशीन युग में अनेक परिवर्तन आए तो होता है, आप अपने आसपास प्रकार किसी परिवर्तन कीजिए तो बारे में लिखिए आसपास में, तो बच्चों ये आप घर के आसपास के कुछ भी परिवर्तन व्यवस्था आप लिख सकते हो। बाजार के बिकने सामान्य विज्ञान के परिवर्तन होता है, इन परिवर्तन प्रकार देखते आसपास चर्चा कीजिए। तो बाजार के परिवर्तन विभिन्न प्रकार मशीन के डिजाइन आता है, तो बच्चों दिन पर दिन विभिन्न प्रकार डिजाइन आता है, तो दूसरे लोग हो कोई अपना देश का हो, तो सभी डिजाइन को हर दिन में ही परिवर्तन तो होती है, तो एक ही वो नहीं, तो बाजार बिकने का सामान इच्छा नहीं हमेशा परिवर्तन वही होता है, हमारे खान पान रहने का भी बदलाव होता है, लेकिन बातचीत करने का तो करते खान पान का परिवर्तन दिन पे दिन होता है, बाहर का खाना सभी हमारे देश में होता है, देश का खाना थोड़ी थोड़ी पर अभी होता है, फिर भी बाहर का खाना का हमारे देश में अभी नया नया सभी परिवर्तन हो गई है, पहनने का बात करने का सभी कुछ सभी परिवर्तन हो गई है, भाषा की बात। तो बदलू कान में दृष्टिपात, तो बदलू कान में दृष्टिपात पर तो भाषा की व्याकरण दृष्टि संज्ञा वस्तु की, तो बदलू लिखा इधर, बदलू का किसी, बदलू का किस लिखा है, किसी के बाद चिड़ी कांच में चुड़िया, बदलू कहता है सुंदरता कैसे है, तो अब पहले जैसे औलाद ने व्याख्या ने आजकल किसी बुजुर्ग के मुँह को तो सुनते मिलते जिसमें उनके हृदय छुपा दुख रहता है, पर पता नहीं चल उनका माना है आजकल संतान बुजुर्ग को अधिक सम्मान नहीं देते, करेक्ट है। तो दूसरे प्रश्न क्या, बदलू कहानी के दृष्टि में पात्र क्या, पात्र पात्र का हमारा भाषा बात दृष्टि संज्ञा किसी किसी व्यक्ति को होता है, तो बोलिए तो इसमें होता है व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक बदलू इधर होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है इधर होता है, कौन व्यक्तिवाचक बदलू बेलन मचिया, जातिवाचक कौन होता है आदमी
मकान शहर और भाई बाबा चौक इधर क्या होता है आदमी का स्वभाव रुचि व्यथा हो गई। तो तीन और कुछ गांव की बोली शब्दों को उदाहरण करते समय पुस्तक वस्तु आय उम्र कहता है तरह तरह देखिए रूप में हुए प्रश्न कीजिए क्या होता है गाँव का इंसान मनुष्य रंज दुख कम मवेशी जिंदगी जीवन औलाद संतान। तो इन जिसमें क्या है आप लोग पढ़ोगे गांव के चाह रुचि जैसे इसको ऐसे देखकर तो इसमें इधर लिख दोगे क्या थोड़ी सी इंसान इंसान क्या गांव का जैसे मनुष्य और रंज दुख और गम मायूसी। तो बच्चों आठ कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी लाकी चुड़िया बड़ी अच्छी कहानी है पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है। तो कमता नाथ जी ने ये बड़ी अच्छी कहानी बनाई है कैसे पहले लाकी चुड़िया बनाई जाती थी अभी ये चुड़िया की बनाने में बंद हो गए क्योंकि अभी मशीन का ज़माना है सभी कुछ मशीन में ही होता है। तो उन लोगों का बहुत दुख है जो उनका व्यापार नहीं और उनके हाथ पैर बैठ के अभी बीमार पड़ गए। तो बहुत जिसे कामता नाथ पे एक कहानी को लिखित किए लाकी चुड़िया। तो बस इसका प्रश्न उत्तर पढ़ाई कर दूँ उसको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो दूसरे वीडियो में तृतीय पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ आज के लिए बस लाकी चुड़िया। तो बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।